जंग को 90 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर सेवेरोडोनेट्स्क और डोनेट्स्क पर कब्जा कर लिया है। यह जानकारी वहां के गवर्नर पाब्लो क्यारिलिंको ने स्थानीय सहयोगी को रेडियो के माध्यम से दी। अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग की दिल दहलाने वाली घटना हुई है। यहां 18 साल के युवक ने रॉब एलिमेंट्री स्कूल में फायरिंग की। हमले में 14 स्टूडेंट्स और एक टीचर की मौत हो गई। कुछ पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया है। रोड रेस केस में जेल में बंद नवजोत सिद्धू का डाइट प्लान तैयार कर दिया गया है। इसमें नवजोत सिद्धू को दिन भर में 7 बार खाना देने की सिफारिश की गई है, जिसमें नारियल पानी बादाम सिर्फ एक रोटी और सूप पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सिद्धू को दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी पीने को कहा गया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 2000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 2124 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1977 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 17 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 52,90,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 63,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.77 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रियसिस को एक बार फिर WHO का महानिदेशक चुन लिया है। उनकी नियुक्ति अगले 5 साल के लिए होगी। उनका दूसरा कार्यकाल 16 अगस्त 2022 से शुरू होगा। डॉक्टर गेब्रियसिस ने खुद में भरोसा दिखाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मेंबर्स को शुक्रिया कहा। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से ईडन गार्डन कोलकाता में शुरू होगा। LSG ने 14 मुकाबले खेलकर 9 में जीत हासिल की है और 18 अंकों के साथ लीग स्टेज में तीसरे स्थान पर रही। लखनऊ का नेट रन रेट +0.251 रहा। वहीं RCB ने 14 मैच में 8 में जीत हासिल की, उसका नेट रन रेट -0.253 रहा। स्पाइस जेट के सिस्टम पर मंगलवार रात साइबर अटैक हुआ। स्पाइस जेट के प्रवक्ता के मुताबिक यह एक रैंसमवेयर अटैक था। इस साइबर अटैक की वजह से सुबह की उड़ानें प्रभावित हुई। हालांकि IT टीम ने हालात पर काबू पा लिया है और उसे ठीक कर लिया। स्पाइस जेट एयरलाइन के पास 91 विमानों की फ्लीट है। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती किए जाने के बाद लगातार हफ्ते के तीसरे दिन तेल की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं देखा गया। सरकार ने महंगे तेल से आम आदमी को राहत देने के बाद पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के रेट में मामूली उठापटक जारी है। ग्लोबल मार्केट के मिले जुले संकेतों के बीच इंडियन शेयर बाजार का निफ्टी 16,200 के आसपास बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 287 पॉइंट ऊपर 54,340 पर और निफ्टी 88 अंक ऊपर 16,213 पर रहा। लगभग 1,178 शेयरों में तेजी आई, 459 शेयर में गिरावट आई और 81 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।